हाँ हम लोग शुरू कर सकते हैं। हाँ शुरू कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू आवर सत्याग्रह सेशन एंड लाइक फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड आई वुड से कैवेट ऑफ द फार्मर्स लॉ इज दैट देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड देयर इज एन इनहेरेंट फियर अमंग द फार्मर्स दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग is implemented, then the farms will be taken over by the private sector. Now, today in this session, through an example of privatization of BSNL, we will try to understand that how privatization is not good for the nation, not good for the people, and not good for the employees who are working in that firm. So through this, we will try to understand that how privatization of farms is not good for the productivity, for the life, and for the success of our farmers. So, आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कि BSNL को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है एंड उससे कैसे कैसे लोग प्रभावित हो गए, हमारे साथ जुड़े हैं मनोज ठाकुर जी। तो मनोज जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप थोड़ा बताएंगे थोड़ी हिस्ट्री के बारे में कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी बीएसएनएल को प्राइवेटाइज करने के लिए। हम काफी देर से सुन रहे हैं कि पहले बीएसएनएल अच्छा होता था, देन उसका नेटवर्क ठीक नहीं है एंड लॉसेस में जा रहा है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा हिस्ट्री क्या है इसकी, प्राइवेटाइजेशन की। देखिए सर, ये प्राइवेटाइजेशन एक सरकार का बहाना है, केंद्र सरकार का। असल बात यह है कि आज हमारी जो बीएसएनएल जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत की सबसे प्राचीन दूरसंचार कंपनी है और हमारे ही टावर से, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, सभी का लाइन चलता है। आज जो जियो को आगे बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को पीछे ढकेला जा रहा है। पहले कहा जाता था मैनेजमेंट की तरफ से कि बीएसएनएल लॉस में चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जो जो परमानेंट एम्प्लॉय थे उन लोगों को वीआरएस का एक अच्छा पैकेज दिया, वो लोग मोटा रकम लेकर, यहां से मोटी रकम लेकर चले गए। सबसे बड़ी दुविधा में फंसे हम, जो 25-26 वर्षों से हमने इस डिपार्टमेंट में एज ए ठीका श्रमिक अपना पूरा श्रम दिया। आज करीब 2 वर्षों से, माने मेरे कहने का मतलब कि 16-17 महीनों से हम लोगों का कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, और 1 जुलाई 2020 से बिना किसी नोटिस के व सूचना के कलकत्ता टेलीफोन्स में हमारे 4,600 ठीका मजदूरों को काम से बैठा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर हमने क्या गुनाह किया था। आज बीएसएनएल के लोग दिन पर दिन आते हैं, जो जो हमारे जो ग्राहक है परिसेवा नहीं पा रहे हैं, वो आते हैं, उनसे पूछा जाता है, भाई किस लिए आए हैं ऑफिस में, बोलते हैं मैं लाइन सरेंडर करने आया हूं। तो आज इस डिपार्टमेंट को चलाएगा कौन? चलाते तो थे हम लोग का ठीका श्रमिक, यहाँ के बहुत सारे सीजीएमओ ने पहले दिल्ली में सीएमडी को जनाया था कि कंट्रैक्टर लेबर इज द ब्रीड अर्नर ऑफ दिस डिपार्टमेंट, कंट्रैक्टर लेबर के बिना बीएसएनएल डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। और एक लाइन उन्होंने कहा था कि कंट्रैक्टर लेबर इज द बिग बोन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। आज बीएसएनएल की जो अवस्थाएं हैं, मैं मानता हूं कि जो मैनेजमेंट है और कुछ सर्विस यूनियन के नेताओं, इनकी एक मिलीभगत है। मंत्री जी कहते हैं कि हम बीएसएनएल को बचाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बचाइए। तो क्या बचाने का यही तरीका है? आज 4,600 करीब ठीका श्रमिक कलकत्ते में, और यदि समग्र भारत को यदि देखा जाए तो समग्र भारत में 80,000 ठीका श्रमिक आज
दाने दाने को मोहताज है, न घर में खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा। जो बुजुर्ग माता पिता हम पर आस लगाए बैठे थे कि हमारा लड़का आएगा तो हमको कुछ वेतन मिलेगा, हमारी जो औषधियां है वो लाकर आएगा, आज उनके सामने भी हम कुछ नहीं बोल पा सकते। सबसे बड़ी दुखद है कि अब तक कलकत्ता टेलीफोन्स में, मैं आपको ये जानकारी दे दूं, आई हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, कि अब तक हमारे 20 ठिका श्रमिक साथियों ने आर्थिक तंगी के कारण मौत को गले लगा लिया। एक तरफ कही जाए, मुझे सबसे बड़ी दुख है कि मैंने अब तक, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने अब तक भारतवर्ष के सभी सांसदों को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं जिस अंचल में रहता हूं वहां से हुगली की सिल्लीगुड़ी के सांसद, मैंने बहुत सारे सांसदों को, दिल्ली में सीएमडी के पुरवार को, माननीय मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी को, उसके बाद लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को, मैंने सब जगह पर दरख्वास्त दिया, गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। मुझे दुख है कि लोग हमारे ही वोट से जीतते हैं और हमें ही भूल जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए आज जो संसद बैठे हैं उस ये भी भूल जाते हैं कि जिस संसद में वो बैठे हैं आज उस संसद को भी बनाने वाला ये मजदूर ही है। अगर इस देश को कौन बनाता है, मजदूर और किसान। अगर किसी देश में अगर मजदूर ही किसान हो जाए, अगर शोषित हो, तो देश क्या तरक्की कर सकेगा। आज किसान भी अपने दावी को लेकर दिल्ली के इस सड़कों पर इस कड़ाके ठंड में बैठे हुए हैं, बच्चे बूढ़े सब। हम लोग भी आज, मैं आपको दुख की बात क्या बताऊं, आज घर से निकलता हूं तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि घर में अब जाकर क्या कहूंगा। यहां तक सबसे बड़ी विडंबना की यह बात है कि हम लोग का जो मेडिकल फैसिलिटी चल रहा था ESI, उस ESI फैसिलिटी को भी बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग तरह तरह के रोगों से पीड़ित हैं, मेरी खुद की पत्नी भी किडनी रोग से पीड़ित है। मैं ट्रीटमेंट कहां से पाऊं, इतने असाध्य रोग का ट्रीटमेंट मैं कहां से पाऊं। क्या इसी दिन के लिए हमने इस डिपार्टमेंट को 25 वर्षों तक अपना शर्म दिया। मैंने मंत्री जी को कई बार ईमेल के मार्फत से उनको चिट्ठी दिया, लेकिन दुख की बात है कि आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और एक बात जहां तक है, BSNL आज भी अगर चाहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सरकार एक कदम आगे बढ़े तो डिपार्टमेंट BSNL आज भी भारत की नंबर वन कंपनी, पहले भी थी, आज भी है और रहेगी भी। लेकिन कुछ लोग इसको केवल जियो को आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी को शेष करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बतलाया जनाया भी, लेकिन आज दुख की बात है कि हम लोग का गुहार सुनने वाले कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल को भी इंटरव्यू दिया, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर मंत्री जी को भेजा, मैंने जहां तक मेरी पहुंच थी मैंने सब जगह पहुंचा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की जो ये गुहार है, हम लोगों को बचाया जाए। हम चाहते हैं कि BSNL बचे और हमारे सभी वर्कर बचे, इसलिए हमने एक कमेटी बनाया, BSNL बचाओ कमेटी। आज मान लीजिए BSNL यदि बचेगा तो हमारे देश के जो ग्राहक है वो भी अच्छी परिसेवा पाएंगे। आज हमारे ही दूरसंचार कंपनी BSNL से सब लोग आज हमसे भाड़ा लेते हैं जो टावर, और हमारा ही टावर नहीं मिलता है, ये क्यों? मुझे लगता है कि इसके पीछे पूरी साजिश है, और इस डिपार्टमेंट को अब सरकार रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती है, मुझे तो इस पर भी कुछ संदेह है। मैं आपके मार्फत से अपनी जो वेदना थी मन की, मैंने आपको बताना चाहा, लेकिन आज भी एक दुख की बात है कि बहुत सारे कलकत्ता में किए गए मूवमेंट, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। क्या मैं
मैं मान लूं कि मैं जो यहां से जो ईमेल भेजता हूं या स्पीड पोस्ट चिट्ठी भेजता हूं, इसका कोई मैंने कभी कोई उत्तर नहीं मिलेगा या इसका कोई निदान नहीं होगा। पार्लियामेंट में कहा जाता है मंत्रियों के द्वारा कि हम गरीबों के लिए सोच रहे हैं, कोई किसान नहीं मरेगा, कोई मजदूर देश में नहीं मरेगा, तो आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? आज ऐसी नौबत आई क्यों? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप मेरी आवाज को आज यदि उनके उनके पास यदि पहुंच सके तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत सारा चेष्टा किया, फिर भी आज तक कोई हम लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। मैंने तो पहले भी कहा आपको कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और ना जो घर में बुजुर्ग माता पिता है उनके लिए औषधि का पैसा है। अगर जो सांसद लोग जो जो सांसद है उनको अगर एक महीना का वेतन नहीं मिले तो उनको भी अगर असुविधा हो सकता है, तो आज तो हम तो मजदूर हैं। मजदूरों की तरफ सरकार की दृष्टिभंगिमा होनी चाहिए, हमारी तरफ फोकस होना चाहिए। जिस किसी हमने कई बार पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों को जब लेटर दिया, कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में उठाया भी इस मुद्दा को, जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया मैं उनको अपने तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या सरकार स्पष्ट करे कि बीएसएनएल को रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है? लेकिन पार्लियामेंट में तो कहा जाता है कि हम बीएसएनएल को रखना चाहते हैं, बीएसएनएल को बचाना चाहते हैं, तो क्या बचाने का यही रास्ता है? अगर बचाने का यदि यही रास्ता है तो आज बताइए कि 80,000 लोगों को विदाउट नोटिस के सारे भारत से आउट कर दिया गया, क्या किसी को पता नहीं? सब लोग जानते हैं, लेकिन जब हम लोग आसपास के लोकल जो सांसद हैं उनसे जाते हैं बोलने, उनको जब लेटर देते हैं वो भी लेटर लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ कोई नहीं बोलता। और कोई प्रश्न आप पूछिए, ठीक रहेगा। हाँ जी मनोज जी, वैसे आप आपके इमोशंस की हम कदर करते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है, बीएसएनएल दो माध्यम से चलती है, परमानेंट एम्प्लॉयज से और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज से। एंड परमानेंट एम्प्लॉयज से आपने बताया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का कुछ बेनिफिट दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट वालों को कुछ दिया नहीं गया। अगर परमानेंट चाहता हूँ कि जो परमानेंट वर्कर थे उनको तो एक मोटा मैंने ह्यूज रकम दिया गया, उनकी लाइफ अच्छी तरह से सेटल हो गई। उन्होंने उनके जिनकी नौकरी 5 बरस बाकी थी या 3 बरस या 4 बरस या 6 बरस तक, उन लोगों ने यहाँ से भारत लेकर चले गए मोटा रकम लेकर। लेकिन हम कंडक्टर मजदूरों ने आखिर क्या गुनाह किया था? अगर यदि आपको बीएसएनएल को नहीं चलाना है, हमको नहीं रखना है, तो उसके लिए तो हमको एक कंपनसेशन का कोई होना चाहिए, कोई ग्राउंड तो होना चाहिए। आखिर हम कहां जाए इस उम्र में? 25 वर्ष तक हमने इस डिपार्टमेंट को शरम दिया, आज हमको हटात काम से बैठा दिया गया। मैं जब दिल्ली में जब लेटर लिखा हूं, जब फोन करता हूं, वहां के लोग बोलते हैं कि आप कलकत्ता टेलीफोन्स के जो यहां के जो चीफ जनरल मैनेजर है विश्वजीत पाल, उनसे पूछिए। कभी कभी ये बोलते हैं कि उनका दोष है, वो बोलते हैं कि इनका दोष है। आखिर बीच में मर रहा है मजदूर ही। सब तरह से सोच हम चाहते हैं कि आपने तो अपने मजदूरों का तो ठीक से जो परमानेंट स्टाफ था उनको ह्यूज सैलरी देकर, ह्यूज अमाउंट देकर यहाँ से एज ए बीआरएस का पैकेज देकर यहाँ से उनको आपने दे दिया, लेकिन हमारे लिए आपने क्या किया? आज हम दाने दाने को मोहताज हैं, हमारे तरफ कोई इनका दृष्टिभंगिमा भी नहीं है। हाँ जी, तो बीएसएनएल आपने बताया कि 4-5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, एंड 4-5 महीने नहीं, 4-5 महीने नहीं, करीब 15-16 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। ओके, 15-16 महीना से, कितनी बड़ी दुख की बात है सोच लीजिए। अब मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, कितने लोगों ने सब मैंने आत्महत्या की है। मैं किसी दिन और कभी होगा सोच, मैंने कुछ लोगों का मैंने सब जो वीडियो कलेक्शन है मैंने करके रखा है। मुझे ये याद है कोविड में हमें जैसे 1 मंथ की 2 मंथ की सैलरी नहीं मिली थी, एंड वहां पे अपना खर्चा करना मुश्किल हो गया था, एंड आप लोगों को 15-16 महीने से नहीं मिला कुछ, तो फिर बीएसएनएल को लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं वहां पे, क्या सिनेरियो है ऑफिसेज में? ऑफिस में हम लोग रेगुलर जाते हैं, जिस तरह से पहले भी हम जाया करते थे, आज भी उसी तरह जाते हैं। लेकिन हम लोग सब एक्सचेंज के जो मुख्य द्वार है वहां पर हम लोग एजिटेशन के रूप में बैठे हुए हैं। हमने कहा ना आपको पहले कि हम लोगों को 1 जुलाई 2020 से वेतन
बिना किसी नोटिस के इंफॉर्मेशन के हम लोग को बाहर का दरवाजा दिखला दिया गया। हम लोग के लिए बोलते हैं कि कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं है तो हमारे संग में कोई निगोशिएशन आप आलोचना कीजिए कि भाई अब बीएसएनएल को हम रखना नहीं चाहते हैं, आप लोग को रखना नहीं चाहते हैं, तो कोई सरकार कोई रास्ता पर तो आए, कोई आलोचना पर तो बैठे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ये तो दो तरफ की बातें हो गई, एक तरफ सरकार पार्लियामेंट में कहती है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं भारत वर्ष में किसी की नौकरी नहीं छीनी जाएगी। कहां तो कहा गया था कि किसी की नौकरी नहीं छीनी जाएगी, नौकरी लोगों को बोला जाता था कि 2-3 करोड़ लोगों को प्रति बच्चर काम दिया जाएगा। काम देने की तो बात दूर, आज बीएसएनएल के 80,000 लोग रास्ते पर बैठे हुए हैं, न खाने को रोटी है और न पहनने को कपड़ा है। किस ढंग पर बात पर विश्वास कीजिएगा। मैं तो कहा कि आज देश में जब 75 दिनों से जब किसान जब दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, तो उनकी मांग को जब नहीं माना जा रहा है, तो हम लोग तो बीएसएनएल में हमारी मांग को क्या मांगेंगे। आपके मार्फत से हम बोलना चाहते हैं, सरकार अब किसी की सुनती नहीं है। सरकार यदि सुनती तो आज हमने इतना इतना जो ईमेल और उनको जो दरख्वास्त किया, अब तक कोई ना कोई नतीजा निकलता। ये कहाँ का नियम है? कभी बोला जाता है कि खाली प्राइवेटाइजेशन कर दो, कभी एयर इंडिया को भेज दिया, एयर इंडिया को खत्म कर आस्ते आस्ते कर दिया जा रहा है। मैंने कहा कि यही बीएसएनएल भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी आज इस स्थिति में आई क्यों, आखिर क्यों इस स्थिति में आई, क्यों आखिर क्यों, लाने वाला कौन? यही बीएसएनएल थी कि आज लोग बीएसएनएल की जो है, एक लोग अपने घर में जब बीएसएनएल का लाइन रखते थे तो गर्व करते थे कि मेरे घर में बीएसएनएल का लाइन है। ये आपको भी पता होगा अच्छी तरह से, लोग गर्व करते थे कि मेरे घर में बीएसएनएल का लाइन है। आखिर इस बीएसएनएल को, इतनी बड़ी कंपनी को आखिर क्यों, किसके स्वार्थ में इसको खत्म किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है कि जब मेरे घर में फर्स्ट टाइम फोन लगा था, 1992 की बात है, तो 7-8 साल की वेटिंग होती थी। हाँ सर। वो लैंडलाइन फोन लगाने के लिए। एंड इसका तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं बीएसएनएल के नुकसान से बाकी कंपनी को फायदा हुआ है, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, बिकॉज हमें अच्छा नेटवर्क चाहिए होता है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मनोज जी। सॉरी सर, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फोन आ गया था, मैं बोलूंगा। आई एम सेइंग कि इसका फायदा तो बाकी कंपनीज को मिला ही है। बीएसएनएल के नुकसान से बाकी कंपनीज हो गई, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, और जियो के आने के बाद तो बीएसएनएल एक तरह से पूरा डाउन ही हो गया। क्योंकि मुझे पता है, हाँ, कि जैसे मेरे फ्रेंड की मदर भी बीएसएनएल में थे, परमानेंट स्टाफ में थे, एंड उनका भी अभी 3-4 साल की नौकरी बाकी थी, बट उन्होंने भी वीआरएस लेके अब वो घर पे बैठ गए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेल बीएसएनएल। एंड पर मुझे ये फर्स्ट टाइम सुनने में मिला कि मुझे भी यही था कि शायद बीएसएनएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बट आपके माध्यम से हमें पता लग रहा है कि अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि बीएसएनएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एंड इसकी वजह से, आई थिंक इस कंफ्यूजन की वजह से आप जैसे एम्प्लॉयज सफर कर रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बीएसएनएल बचाओ कमेटी बनाई है, राइट, बीएसएनएल बचाओ आंदोलन कमेटी, तो आपने कमेटी, राइट, तो आपने कोर्ट का हेल्प नहीं लिया? जैसे गवर्नमेंट, आपने हर डिपार्टमेंट में ट्राई कर लिए है, हर सीनियर को चिट्ठी लिख दी है, हर यहाँ तक कि वहां दिल्ली तक बैठे हुए लोगों को आपने लिखा है, बट आपने कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया कि कोर्ट पे जाए और स्टे लगाए इस चीज पे, कोर्ट के माध्यम से उनसे बात की जाए। ठीक है, मैं इस बात पर भी आपको मैंने बतलाना चाहता हूँ। हमारे जो और कुछ लोग यूनियन के, जो अलादे यूनियन के, जो मैंने डिफरेंट यूनियन होते हैं ना एक संगठन में, तो वहां के कुछ लोग कोर्ट में गए, कलकत्ता के हाई कोर्ट, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता के हाई कोर्ट ने निर्देश दिया डिपार्टमेंट को कि जो ठीका श्रमिक है उन लोग का अविलंब उनका वेतन भुगतान किया जाए। अब मैनेजमेंट कोर्ट के राय को भी नहीं मानती, इससे बड़ा दुख के बात क्या हो सकता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि बीएसएनएल के कर्मचारियों का अच्छी ढंग से निपटारा किया जाए, उनका जो बकाया है उनको भुगतान किया जाए, उनको काम पर वापस लिया जाए। जब लोग, जो लोग कोर्ट की बात नहीं सुनते, तो हम मजदूरों की बात क्या सुनेंगे? मुझे तो इस बात का दुख है, क्या इस देश में मजदूर होना सबसे बड़ा गुनाह है? क्या यह देश गरीबों का नहीं, मजदूरों का नहीं,
मुझे दुख लगता है देश की जितनी आज उस देश, मैंने बचपन में मनोज कुमार जी का एक फिल्म देखा था रोटी कपड़ा और मकान, अगर रोटी कपड़ा मकान ये जो तीन चीज है, अगर जिस देश का अगर मजदूर ही यदि भूखा हो, मजदूर ही रास्ते पर पड़ा हो, उस देश का कोई आगे क्या बढ़ सकता है। लोग यदि अगर झूठी झूठी वादे करे कि हम लोगों को ये कर देंगे वो कर देंगे, इस देश में ये देश अब आगे बढ़ रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है? मैंने अगर आगे ही बढ़ रहा था तो आज ये जो बीएसएनएल है क्यों डूब रहा है, इतनी बड़ी प्राचीन कंपनी क्यों डूब रही है, 80,000 लोग, 80,000 ठेका श्रमिक दाने दाने को क्यों मोहताज हैं? इसका जवाब कौन देगा? सरकार को इसका जवाब देना होगा, जवाबदेही हम लोग के अगर बतलाना होगा कि हमने क्या गुनाह किया, ना तो ये भी बता दे कि यह देश अब मजदूरों का नहीं, हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, मैंने अपना हक मांगने का हमको अधिकार है, हमने डिपार्टमेंट में काम किया है तो वेतन मिलना भी मेरा अधिकार है, मेरा ग्रेजुएटी मिलना भी अधिकार है, जो मेडिकल फैसिलिटी थी उसका, जब कोई भी कहीं पर, जब आपने जब परमानेंट लोगों को जब एक कंपेंसेशन ग्राउंड पर उनको बीआरएस का पैकेज दिया, तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए आप, मेरे संघ में, हमारे प्रतिनिधियों के संघ में, हमने फिलहाल 2-4 दिन पहले मैंने रविशंकर जी को एक पत्र लिखा कि हम लोग संघ में आपके संघ में हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, आज तक न उस पत्र का कोई लेटर का उत्तम मैंने स्पीड पोस्ट से किया है, मैं देखूं कब तक कोई रिप्लाई आए, मैं चाहता हूं कि उनके संघ में एक आलोचना हो, उनके संघ में आखिर हम जान पाए कि सर आप इस डिपार्टमेंट को रखना चाहते हैं, तो यदि रखना चाहते हैं तो प्लीज हम लोग को हम कहां जाए, अब हम 80,000 लोग इस परिस्थिति में, कोई 45 साल का है, कोई 46 साल का है, अधेड़ उम्र में, जिस देश में कोरोना काल में कितने लोगों ने नौकरी खो दिया, मैं जिस लोकल ट्रेन से आना जाना करता था, जब मैं जाता तो ऑफिस चलती थी तो लोगों को ट्रेन में चढ़ने की जगह ही नहीं थी, आज कोरोना काल के खत्म होने के बाद भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आज ट्रेन पूरी फांका जाती है, लोकल ट्रेन, इसका मतलब होता है कि लोगों ने अपना नौकरी खो दिया, इन माय ओपिनियन कि लोगों ने अपना नौकरी खो दिया, क्या अब क्या इस देश में मजदूरों के संग कोई न्याय नहीं होगा? जो गरीब है वो और दबते रह जाएंगे, और जो पूंजीवाद है वह और आगे बढ़ते चल जाएंगे, क्या हुआ कोरोना काल में, किसको फायदा हुआ, ये तो लोगों ने देखा है मैंने। हाँ, आज हमारी और मनोज जी वैसे देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट इन जो हमारे मुद्दे हैं देश के उसपे बात ही नहीं करती है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे है आज के टाइम पे। हाँ, जैसे हाँ, आपने बताया कि ट्रेन में आपको लोग ने, जो पहले पूरी भरी होती थी, आजकल आपको लोग नहीं मिलते उस ट्रेन में, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी जॉब खोई है। एंड पर उन मुद्दों पे आप देखा जाए, हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई बात ही नहीं करता इन मुद्दों पे, सब उसके पीछे मतलब ध्यान भटकाने की बात करते रहते हैं कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, या चाइना यहाँ पे आ गया, या फिर अभी आजकल फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर कि ये खालिस्तानी है, कम्युनिस्ट है, एक तरह से हमारा ध्यान भटकाने की ट्राई की जाती है। बट जो देश के हमारे असली मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी हमारे देश का, जैसे आजकल डीजल का इतना प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का इतना प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, पर इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। तो हमारे साथ हमारे एक सीनियर लीडर है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, लुबना सरवर जी, ये एमएलए का इलेक्शंस कंटेस्ट कर चुके हैं हैदराबाद से, लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं हैदराबाद से, एंड काफी हैदराबाद में ये जो लेक्स है वहाँ के, जो वहाँ की टॉपोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनको बचाने के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं सेव आर लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो मैं उनसे इस बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे, अब जैसे मनोज जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि वो हर दरवाजा खटखटा चुके हैं अपना इश्यू समझाने के लिए, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। तो लुबना जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, कैसे आगे इस बात को गवर्नमेंट जो कंसर्न पर्सन है उन तक पहुंचाया जा सकता है? लुबना जी आपका माइक ऑफ है, आई थिंक उनका शायद कनेक्शन थोड़ा बिजी है, विद टाइम आई थिंक शी विल जॉइन। इन द मीन टाइम मनोज जी आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में, आप समझा रहे थे कुछ कि कैसे फर्क पड़ा है कोविड के बाद वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का। देखिए कोलकाता कोविड के बाद लोग यहां से घर के बाहर नहीं निकलते थे, मैंने तब समझ लिया कि आज लोग देश में किस
हेलो 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 हाँ जी मनोज आज हाँ जी ठीक है ठीक है कट गया था लाइन तो हेलो हेलो मेरी आवाज जा रही है हाँ जी मनोज जी आवाज आ रही है हाँ ठीक है ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि आज जो परिस्थितियां हैं आज जो परिस्थितियां हैं कि लोग कोरोना काल के बाद आज चाहे आप कहीं भी देखे मैं जब कोलकाते में जाता हूँ मैंने जो ट्रेन में जो पैसेंजर तो कम गए क्योंकि नौकरी नहीं है कलकत्ते के जिस किसी कपड़े के दुकान में किसी कारखाने में किसी छोटे मोटे उद्योगों में लोग किसी दुकान में काम करते थे जहाँ 5 लोग 6 लोग आज वहां पर केवल 1 लोग जो मालिक है वही चला रहा है। इस तरह से यदि देखा जाए तो कितने लोगों ने नौकरी खो दिया। ठीक है आज हम लोग जैसे बीएसएनएल के लोग हैं आज हम लोग 80,000 लोग रास्ते पर खड़े हैं सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मैंने कहा ना कभी किसी दिन मौका होगा मैं आपको दिखला देता मैंने 300-400 ईमेल किया है इस आर्थिक तंगी में मेरे सब साथियों ने जिसने मुझे हेल्प किया 10 रुपया 5 रुपया कर हम लोगों ने आपस में चंदा मिलाकर इतनी कठिनाइयों के बावजूद हम लोगों ने ईमेल किया सबको फिर भी स्पीड पोस्ट किया फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग जो मेडिकल फैसिलिटीज से जो वंचित हैं लोग कहते हैं कि हमने आयुष्मान भारत लाया मैं मानता हूं लेकिन हमारी जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है ESI मैंने माननीय श्रम मंत्री जी से भी गुहार लगाई कि सर प्लीज हमारे कम से कम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर ESI को चालू रखा जाए ताकि हम किसी अस्पताल में जाके अपनी चिकित्सा तो पा सके वो भी उसको भी खारिज कर दिया गया। आखिर किस तरह का लोग इस देश में किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं क्या करना चाहते हैं क्या मजदूर इस देश में रह ही नहीं सकता। जो ESI की जो सबसे बड़ी बात है ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर उसको चालू करना बहुत जरूरी था और भी ये क्या बात है समझ में नहीं आता। कुछ दिन पहले यहीं पर देखिए जो कलकत्ता का जो मैनेजमेंट है और यहाँ की जो सर्विस यूनियन है यहाँ के जो चीफ जनरल मैनेजर है जब मैंने उनको एप्लीकेशन किया वो बोलते हैं कि हम आप लोगों के संग में क्यों बैठे। अरे भाई हमारी समस्याएं हैं आप हमारे संग में नहीं बैठिएगा ठीका श्रमिकों के संग में तो जो सर्विस यूनियन के जो चाटुकार नेता हैं उनके संग में बैठकर आप मेरे समस्या क्या कीजिएगा। उन्होंने एक सिस्टम लाया है SLA सिस्टम सर्विस लिंक एग्रीमेंट। इसके तहत क्या होता है जिस एक्सचेंज में लोग 25 लोग काम करते थे वहां पर केवल 1 लोगों को लेकर ये काम कराना चाहते हैं वो भी जो कुछ काम के विषय में कोई जानता नहीं है। आप देखिएगा जो बीएसएनएल में जो बाहर में जो मेंटेनेंस करते हैं जो लोग तार जोड़ते हैं भाई जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं आप ही बताइए आपके माध्यम से मैं बताना जानना चाहता हूँ क्या ये सब काम कोई बिना ट्रेनिंग के कर सकता है। लेकिन असल बात यह है ये सब उद्देश्य कर करके लोग हमें तो पूरा जब तक आज 17 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। अगर किसी लोग बार बार मैं पार्लियामेंट में सुनता हूं कि अब जितने सांसदों में सबका वेतन बढ़ाया जाए अरे भाई आप अपना वेतन बढ़ाए जरूर लेकिन हम मजदूरों का वेतन तो कम से कम देने का कष्ट करें आप कृपा करें हमने काम किया है अपना हक मांग रहे हैं हम किसी से कोई भीख नहीं मांगते और हमने जो अपना जो इतना दिन काम किया और तो उतना दिन काम करने के बाद लेबर एक्ट के तहत ग्रेजुएटी पाने का मेरा अधिकार बनता है हमें ग्रेजुएटी भी मिलना चाहिए हमें पुनः काम पर वापस लेना चाहिए। कुछ लोग मैंने कहा ना कि बीएसएनएल को यदि आप बचाना चाहते हैं तो मजदूरों को बचाना होगा क्योंकि आज इतनी बड़ी संस्था देश में 1 लाख के करीब लोग परमानेंट लोग बीआरएस लेकर चले गए तो आखिर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता तो पड़ेगी तो मजदूर तो है ही फिर भी हम सबों को आखिर काम पर क्यों नहीं लौटाया जा रहा है। इसके लिए मैंने मंत्री जी को कई बार पत्र लिखा कि हम लोग संघ में कोई आलोचना किया जाए मुझे दुख है इस बात का और सारी दुख की बात है मैं कुछ लोग ऐसे हैं कि अब मैंने कहा ना आपको कि 20-25 लोग आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर लिए एक कलकत्ता के सब मीडिया में भी आया था पेपर में ही आया मैंने भी कई मीडिया को इंटरव्यू दिया है तो क्या इसी दिन के लिए आज हमारी जो बीएसएनएल कंपनी है अच्छी परिसेवा नहीं लेकिन बाद में आई हुई ये जो जियो कंपनी है
इसका इसका देखिएगा सब समय टावर चल रहा है और हमारे टावर नहीं मिलता, क्यों? इसके इसके पीछे भी क्या कोई साजिश चल रहा है? जब हम 80,000 मजदूर, मैंने कभी सुना था कि अब सब सब चीज को आप प्राइवेट कर दीजिएगा, ये क्या बात है? तो किस तरह से देश चलेगा? आज आने वाली युवा पीढ़ी है जो लिख रही है, पढ़ रही है, हमारी जो संतानें हैं, क्या इस उम्मत के संग में आगे बढ़ सकेगी कि हम जब बड़े होंगे तो हमारे लिए वो जो हम गर्व करते थे कि हम रेल में जॉब करते हैं, बीएसएनएल में जॉब करते हैं, हमको क्या लगता है कि ना बीएसएनएल रहेगा ना रेल रहेगा, किस ढंग का भारत का निर्माण होगा? डॉक्टर लोकटा, आप हैं ऑनलाइन? या हाँ जी डॉक्टर लोकटा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मनोज जी कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट हर एक डोर नॉक किया है, अपने ऑफिशियल से बात कर रही है, दिल्ली में ऑफिशियल से बात कर रही है, मिनिस्टर से बात कर रही है और अपनी पीड़ाओं को बताई है, बट कोई उनकी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इवन कोर्ट का भी डिसीजन है कि जो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज है उनको प्रॉपरली वेतन के साथ देके, प्रॉपरली उनको जो भी फैसिलिटीज होती है उसके देके निपटारा किया जाए, बट ऐसा कुछ उनके साथ हो नहीं रहा है। तो आप कुछ बताएंगे, गाइड करेंगे कि उनको क्या स्टेप लेना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? जी, देश के हिसाब से तो मैं यही बोलूंगी कि बीएसएल ने प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन बात दिक्कत ये बात है कि पिछले सेशन में राजनाथ जैसे सीनियर मिनिस्टर उन्होंने खुद प्रपोज किया है कि प्रियाम्बल से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों को निकाल देना चाहिए। गौर करिए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्युलरिज्म, वो लोग सोशलिज्म निकाल देना चाहते हैं प्रियाम्बल से। तो ये बीएसएनएल जो खड़ी है वो सोशलिज्म नाम की जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वो वन वर्ड क्या बोलते हैं, वन वर्ड आइडियोलॉजी या वन वर्ड एपिस्टीम है वो फॉर इकोनॉमिक्स, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी एक वन वर्ड एपिस्टीम है फॉर द गवर्नेंस इन द कंट्री। जो देश में जो गवर्नेंस है उसकी सिस्टम माध्यम क्या है, डेमोक्रेसी, वो एक वन वर्ड एपिस्टीम या आइडियोलॉजी है। सिमिलरली इकोनॉमी को गाइड करने वाली जो एपिस्टीम है वो है सोशलिज्म, वो भी प्रियम्बल में है, और उसी तरह से सेक्युलरिज्म भी था एक वन वर्ड गाइडिंग एपिस्टीम फॉर यूनाइटिंग द एंटायर डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो ये यूं ही नहीं आए भाई, दो साल मेहनत की किताब है वो, और उसके बाद ये लोग जो बार बार बोलते जाते हैं कि ये सोशलिज्म तो बाद में आया, सोशलिज्म तो बाद में आया, तो क्या सोशलिज्म बुरी बात है? क्या सोशलिज्म बाद में आया? हाँ बाद में आया भाई, अच्छा करे वो सरकार लाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इथोस तो सोशलिज्म की बात करते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि चलो प्रियम्बल में उसको लाते हैं, तो संविधान के अमेंडमेंट के तहत उसको लाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट द प्रियम्बल कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और टेम्पर्ड, ये भी सुन चुके हम। तो आज के दिन इन लोगों की सिर्फ आंकड़ों की बुनियाद पे, पार्लियामेंट के आंकड़े की बुनियाद पे ये बता सक रहे कि हम सोशलिज्म निकाल देंगे, सेक्युलरिज्म निकाल देंगे। तो अब बीएसएनएल जो जा रहा है और कई चीजें जो क्या बोलते हैं वो बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अरे एलआईसी जो जा रहा है, एलआईसी की जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और फर्टिलाइजर की जो कंपनी बहुत प्रॉफिट मेकिंग है, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इट इज अ नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी बट देयर इज अ नेम। तो ये जो पूरे फर्टिलाइजर कंपनी जा रही, इट इज ऑल प्रॉफिट मेकिंग, ये रत्नास है अपने इंडिया के। तो हम जो ये पूरी इनको इतना पूरी बना के, अरे एयर इंडिया की बात क्या है भाई, एयर इंडिया वो महाराजा का जो आइकन, व्हाई विल अ प्राइवेट एंटिटी कीप दैट आइकन, एंड व्हाई डू नेशन की हर चीज अपनी एक होनी चाहिए। जैसे कि उसकी एक अच्छी एग्जाम्पल क्या है, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने पूरी इंडिया की जो इलाज करने की सोची, किस किस माध्यम से किए उन्होंने, क्या अपोलो के माध्यम से किए, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कहां थे, बंद पड़े थे अपने कुलियों में, किसके माध्यम से हुए? ये तो गवर्नमेंट का क्या है, इट वो उसकी एक किरदार होती है कि हम प्राइवेट पे डिपेंडेंट नहीं है,
हम देश चलाने के लिए हम जो इलेक्ट होके यहाँ बैठे हैं, तो हम देशवासियों की उनकी बुनियादी चीजों के लिए हम कोई प्राइवेट पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी अपनी होती है, अपने अस्पताल, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने अपनी क्या फोन की कंपनी, अपनी शिपयार्ड, अपनी एयरलाइन, अपनी फर्टिलाइजर, अपनी रेलवे, सब अपनी अपनी होते हुए बाद में उसको मिक्सड इकोनॉमी की तरफ लाते हुए प्राइवेट को उसमें दाखिल किए। इस तरह इवॉल्व हुए अपन मिक्सड इकोनॉमी की तरफ, क्या प्राइवेट पब्लिक को रखते हुए। तो आज के दिन ये जो चल रहा है, अभी अभी तो इतनी बड़ी सबक सीखने को मिला कि देश को गवर्नमेंट कुड नॉट रन द कोविड, व्हाटएवर वेदर इट इज द आइसोलेशन, वेदर इट इज द मेडिसिन, किसको कहां भेजते, दम था। संदीप, हमारे सोशलिस्ट पार्टी से संदीप जी ने और हम सब लोगों ने क्या रेजोल्यूशन दिए गवर्नमेंट को, बोले हम लोग कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल को आप 6 मंथ्स के लिए नेशनलाइज करो, ताकि पूरी बेड्स वगैरह सब कंट्री के हाथ में आते हैं, उसके बाद वापस किया जा सकता है। वो भी करने की हिम्मत नहीं है हमारे पास, तो हम किस बुनियाद पे अपनी रिसोर्सेस, गवर्नमेंट की अपनी रिसोर्सेस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एमरजेंसीज में जब चाहे वो आवाम को, पब्लिक को अपनी चीज दे सके, प्राइवेट को नहीं बोलना चाहिए कि आप वो चीज उनको दें, क्योंकि प्राइवेट जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हद आज के दिन जो बैंक्स में जो भी एनपीएस है वो पूरे प्राइवेट फर्म्स, जो कि बड़े बड़े कंपनीज एस्टैब्लिश हुए हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स में वो लोग है एनपीएस में। तो छोटे छोटे आवाम के पैसे को लेके जाके चंद इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों को दे देंगे और आप बोलेंगे कि वो एनपीएस में जा रहे, एक तरफ से एनपीए की जो पहाड़ है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ से आप इंडिया को ये बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर इंडिया। और फाइनेंस मिनिस्टर तो इसमें वो प्राइड ले रहे हैं कि मैं सोशलिस्ट की कोई भी पॉलिसी नहीं अपना रही हूं, मतलब आप प्रियंकल से टकरा रहे। यानी ये क्या है, हम सब लोगों को द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल, ये लोग संविधान के तहत संविधान को अपनी सीढ़ी बनाकर पार्लियामेंट में आ गए और अब वही संविधान को वो किक मार रहे हैं। यानी जिसको आप लैडर बनाए, सीढ़ी बनाए चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के बाद यू आर किकिंग द लैडर, सीढ़ी को आप उलंघन कर रहे हैं, अब कोई भी सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं आ सकता, यानी डेमोक्रेसी बंद। ये हालत की ओर हम जा रहे हैं और ये कोई छुपा नहीं चल रहा है। सोशलिज्म सेक्युलरिज्म निकालो, रेजोल्यूशन पास करो, ये भी हुआ था। फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोल रहे कि नो आई एम नॉट अडॉप्टिंग एनी सोशलिस्ट आइडियाज, ये तो बहुत प्राइड से बहुत बताया जा रहा है। और डिसइन्वेस्टमेंट को लेके अच्छे अच्छे मेनस्ट्रीम इकोनॉमीज भी डिसइन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेनस्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय कैपिटलिज्म। फिर भी होते हुए भी अगर मेनस्ट्रीम से हटकर भी वो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, कुछ और इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, फिर भी दे आर स्टिल वांटिंग एंड दे आर प्रेफरिंग डिसइन्वेस्टमेंट। प्रणय रॉय जो कि चीफ एडिटर है एनडीटीवी के, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, इज अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, वो लोग सब की यही बात चल रही है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट जल्दी हो जाना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट आप सरकार अपने पास, जैसे घर में हमारे पास पैसा ना होता है तो हम सोना वोना कुछ तो ढूंढ के जाके हम बेच देते हैं, तो गवर्नमेंट को आज आप पूछोगे आप डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, तो क्या हमको ये बता सकते कि क्यों भाई प्राइवेट में आते ही वो अच्छा चलेगा? बताइए भाई कौन सी प्राइवेट कंपनी जो बहुत अच्छी चल रही है, बताइए, वही तो है लिस्ट में पूरे एनपीएस के, चंद गिने चुने, बाकी सब तो पूरी सरकार की दी हुई जमीन है, सरकार की दी हुई सब्सिडीज है, सरकार की दी हुई रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन चलता है इन लोगों का। जब लोन एनपीए में गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन हो जाता है। तो ये कई काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत में और सोशलिज्म को बाजू हटाते हुए, जैसे
घर के इसमें कोई बेचते हैं पैसे के लिए, वैसा सरकार को हम सरकार इंडिया को अच्छा करिए भाई बोल के उनको इलेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी घर के अंदर जो भी चीज है 70 साल बोलते रहते ना कुछ नहीं हुआ देश में, तो आज आप जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो 70 साल की मेहनत है वो, समझ रहे, जो भी कंपनियां खड़े हुए हैं आज के दिन रत्नों की जैसा, जिसपे आप एक भिखारियों के जैसे जो बेचने को जा रहे हैं कि पैसा नहीं है भाई बेचो, पैसा नहीं बेचो, एंड डिसइन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड जस्ट देयर, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बना दिए, उनकी रेवेन्यू जनरेशन की पॉलिसी है, आपके रेवेन्यू जनरेशन काई के लिए, पीएम केयर्स की फंड आप कितना आ रहा कहां से आ रहा आप नहीं बता पा रहे हम लोगों को, और आप क्या बोले थे कोविड के टाइम पे कि पीएम केयर्स की फंड ही सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन के लिए, हर चीज वेंटिलेटर हर चीज कोविड-19 के, क्योंकि पीएम केयर्स तभी खुला था, लेकिन अब गौर करें बजट में वैक्सीनेशन की कोविड-19 की एलोकेशन क्यों हुई जब पीएम केयर्स फंड से सब कुछ लेना था, तो और पीएम केयर्स की फंड तो अंधेरे में तिजोरी में है, किसी को दिखता नहीं, आना जाना अंदर क्या जा रहा बाहर क्या आ रहा पता नहीं, कौन दे रहा पता नहीं। तो ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी जो BSNL की मुद्दा है ना, इट इज नॉट वन कंपनी मुद्दा, एक ओवरआर्चिंग जो पॉलिसी है, एपिस्टीम है, इकोनॉमिक्स का एपिस्टीम संविधान के तहत प्रियाम्बल में दिया हुआ सोशलिज्म है, उस सोशलिज्म को ही हम इसकी धज्जियां उड़ रहे हैं, हर चीज में कम हो रहा है, एलोकेशन में पूरे कमियां हो रही है, और बड़े बड़े बेजरूर चीजों की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ऐसी चीजें जब हो रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन कहीं और है और डिसइन्वेस्टमेंट करने को ही सही चीज माना जा रहा है, तो आप BSNL की आपकी जो वेदना थी, आप क्या है मालूम, आप आंसू में ही बाहर बहाए, अब ये जो ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी आंसू में ही बहाए, वरना वो एक्चुअली रो रहे थे वो, लेट मी टेल यू वन थिंग, he did not see his tears, but he was actually crying. उतनी बुरी हालत है ऐसे सैकड़ों की इस देश में, क्यों, क्योंकि एक जो एपिस्टीम इकोनॉमिक पॉलिसी की थी कि हम लोग यहाँ पर, और वेल्थ क्रिएटर्स की जो बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, और आप जरूर ठाकुर जी आपके दरमियान बात छेड़िए इसको, ये जगह मैं टॉक भी दी थी एक CPM पार्टी वालों की, इसमें देखिए वेल्थ क्रिएटर्स की कितनी खूबी खूबी होती जा रही है, वो ध्यान वेल्थ क्या बोलते हैं क्रिएटर्स, वेल्थ जनरेटर्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट देम की बहुत हो रही ना भाई, वेल्थ क्रिएटर्स के पीछे आप जब पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी वेल्थ जनरेट करने, आप पूरी पैसा लेके बैंकों से पैसा लेके सूट बूट पहन के आप इनोवा से उतर के खड़े हैं, आपकी वेल्थ क्रिएट हो गई नहीं हुई ना, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वेल्थ क्रिएटर के पीछे एक वेल्थ वर्कर था, जो आप मजदूर की बात कर रहे हैं ना, ही इज द वेल्थ वर्कर, सोशलिस्ट पार्टी से हम एक रेजोल्यूशन भी हो सके, हम पूरी पार्टी से बात करेंगे और हम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि आगे आप लेबर वर्कर्स सब निकाल दो, दीज पीपल आर द वेल्थ वर्कर्स, इफ दे आर द वेल्थ क्रिएटर्स, just because they got a bank loan and a subsidy land and they get down from a car with a suit, wealth create ho gaya nahi hua na, aapka wealth worker jab tak scene pe nahi aaya tab tak aapki infrastructure generate nahi hui, aapki farm fields mein se utpadan nahi hui, aapke mining mein kuch nahi hua, aapka kahin kahin kuch, aapki jo Uttarakhand mein hamare bhaiyo behno ko aap maar diye wo dam ke paas, tapovan dam ke paas, wo kaun the wahan par, हमारे वेल्थ वर्कर्स थे भाई, वेल्थ वर्कर्स थे, तो ये चीज है, ये राइट नाउ इन लोगों को काउंटर करने के लिए हमको नए नए ये लोग की इतनी हिम्मत है भाई प्राइम मिनिस्टर की, कि वो जो हम लोग जो पूरी हक देती है संविधान और हम उसकी हम यूज करते हुए हम बोल रहे हैं कि भाई जो पंचायतों से पास नहीं हुई रेजोल्यूशन, जो स्टेट से पास नहीं हुई, उसको आप, आपकी सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर नहीं है, तो आप फॉर्मुलास क्यों बना रहे हैं, लिहाजा आप अपने कुल्ली में पार्लियामेंट में बैठो और फॉर्मुलास हम पे छोड़ दो, पंचायतों पे और स्टेट्स पे, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं पार्लियामेंट में,
और यहाँ तक के आप पार्लियामेंट की टाइम वेस्ट करते हुए, टाइम बर्बाद करते हुए लोगों को आप निकनेम्स लगा रहे हो, आंदोलन जीवी, वो जीवी, ये जीवी, ये क्या बात हुई भाई? टाइम पास कर रहे प्रधानमंत्री, टाइम वेस्ट कर रहे, टाइम क्रिमिनल वेस्ट कर रहे हो पार्लियामेंट का टाइम, जिसपे वो खुद माथा टेक के पहली बार 2014 में एंटर हुए थे। ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ तक की इनकी है कि हमारा बोल का बांका नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल डू, वी विल ब्लैबर, वी विल डू व्हाट वी वांट, ये चल रहा है अभी। तो प्रियम्बल कहाँ, BSNL कहाँ, वो फर्टिलाइजर कंपनी कहाँ, HAL कहाँ, HAL से लेके कहाँ से चल रहा भाई ये पूरी जो चल रही है। और एक बात है, ये लोग की कुछ भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये लोग खुला बोल के कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट 2000 नया इलेक्शन होने से पहले 2019 में जब सोशलिज्म सेक्युलरिज्म को निकालने की भी बात हुई रही थी और डिस्कशंस में पार्लियामेंट में, और हिंदू राष्ट्र की बिल पास करने की भी हो रही थी MPs के जरिए, बाहर भी हो रही थी चर्चा बाय MPs। तो ये सब क्या है मालूम, राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। अब हम अपोजिशन देशवासियां और अपोजिशन पार्टीज की बहुत बड़ी रोल है, हम लोग इसको कैसे टेक फॉरवर्ड करेंगे। तो महुआ मोइत्रा को आप सब लोग जानते हैं, तो महुआ मोइत्रा परसों NDTV पे आके क्या बोले, भाई आप लोग सब बोलते कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा, अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा। अरे क्या करना भाई अपोजिशन, जब सुप्रीम कोर्ट बंद पड़ा, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ नहीं, इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी तरफ नहीं है, कोई अपनी तरफ नहीं है, संविधान की तरफ नहीं है, तो हम क्या करना, ये उनका। और वो बोल रहे थे कि अब तो आवाम उठना चाहिए, सिर्फ 30% तो उनको वोट दिए, वो ये बोल रहे थे 30% ना थे बीजेपी को वोट दिए, कहाँ है 70% पूछे उन्होंने। तो ये भी जिम्मेदारी फिर किस पे आएगा, महुआ मोइत्री जहां से MP है उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या लोग उठे, क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरे लोग उठ के वहां पर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई? जो जो MPs वहां पर अपोज कर रहे हैं उनकी सच्चाई जांचना चाह रहे हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को बोले कि चलो हम आज धरना कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? सच्चाई होना। और अगर हर MP चाहे वो चंद भी रहे, क्योंकि अभी उनकी नंबर ज्यादा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आई डोंट बिलीव इन माइनॉरिटीज, क्या बोलते माइनॉरिटी नहीं, आई डोंट बिलीव इन द क्वांटिटी स्ट्रेंथ, आई बिलीव इन क्वालिटी स्ट्रेंथ। तो ये भी जो भी MPs इसको अपोज कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी से, TMC से, कांग्रेस से, CPI, CPM, हमारा यहाँ का हैदराबाद का MIM, ये सभी लोग, शिवसेना, सभी लोग जो कह रहे हैं कि हम अपोज कर रहे हैं, वो MPs जब महुआ मोइत्री बोल रही कि पब्लिक ने उठना चाहिए, भाई तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप MPs अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में धरना रखिए, बैठाइए, जैसे सिंगो बॉर्डर पे हमारे किसान और मजदूर जो बैठे हुए वहां पर, ठंड गर्मी बारिश कुछ पड़ी नहीं उनको, शर्ट निकाल के वो लोग घूम रहे हैं, तो इतनी दर्द झेल रहे हैं वो देश में सुधार लाने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं सिर्फ फार्मर बिल के लिए खड़े हैं? उनको पता चल गया कि देश की डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी उसको चोट धक्का लग रही है, शायद वो इरिवर्सिबल हो जाए, इसलिए वो डटे हुए हैं। वो सिर्फ फार्मर बिल के लिए डटे हुए नहीं है, वो देश की प्रजातंत्र की जो आ रही है नुकसान हो रही है, कहीं वो इरिवर्सिबल नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो वहां पर रुके हुए हैं, कीलों के सामने फूले बिछाते हुए, इसलिए वो वहां पर है। तो बात यहां पर आता है कि हर MP अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके करिए भाई धरना, करिए, क्या न्यूज नहीं बनेगा? अरे वहां पर एक जगह में इकट्ठा होती इतनी बड़ी दूरी दुनिया में, क्या दुनिया के बाहर भी न्यूज चले गई, शायद मार्स में भी कोई देख रहा है, कोई मून से भी कोई देख रहा है। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज, हर MP ने ये करना चाहिए, और बहुत बहुत पेरिलियस टाइम्स में है अपन। मैं बहुत बुरा लगा मेरे को ठाकुर जी का सुन के, मैं बता रही हूँ, उनके सिर्फ आंख में आंसू नहीं थे, वरना उनका दिल रोते रोते वो पूरी स्पीच दी अपनी थी, तो हम समझ सकते हैं। तो बात यहाँ, राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल, लेकिन कौन इसमें कितना अपना पात्र डाल के कह रहा है, मैं ये भी बात बोलने के लिए आई वोंट हेजिटेट, क्योंकि मेरा ये रीडिंग है। देखिए आज के दिन जो आपत्ति आ चुकी है, अगर एक कोई करप्शन के बगैर एक लीडर है तो ममता है, ममता करप्शन के बगैर की लीडर है, वो तो कोई भी मानना को, वो तो मानना पड़ेगा,
बिकॉज शी इज नो जीरो करप्शन लीडर है वो, तो जहां तक मुझे मालूम है भाई, ओके? तो वहां पर बीजेपी का इतना बड़ा ओपन असॉल्ट हो रहा है और प्रधानमंत्री जी वहां पर जाके क्या बोलते हैं कि ये टीएमसी और लेफ्ट कुछ मिल रहे हैं। भाई आप डेमोक्रेसी में हैं, ओपोजिशन ने मिलके बात करी तो क्या हुआ, उसमें बोलने का है ही क्या? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लेफ्ट और लेफ्ट ने टीएमसी ने मिले कुछ, उनकी जो स्टाइल रहती है उसमें बता रहे, लेफ्ट और टीएमसी ने मिलके बातचीत की तो क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कह रही हूं कि ये देश का ये स्थिति ऐसा आ चुका है कि अभी वहां पर वेस्ट बंगाल में टीएमसी को हर पार्टी ने सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन अकल की कमी अभी भी अपोजिशन में है। ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी वो टीएमसी के खिलाफ पुराने दिन समझ रहे मेरे भाई, जो कांग्रेस के भाइया हैं, तो सीपीएम सीपीआई लेफ्ट की जो भाइया हैं बहना हैं, अभी भी वो पुराने दिमाग में बैठ के हैं, उनको अभी भी चाल समझ में नहीं आ रही है। वक्त ये आ चुका है कि सब सीपीआई सीपीएम कांग्रेस जो एक फ्रंट बना रहे हैं वो टीएमसी के तरफ आ जाए और मिल के एकजुट होके वो जो संविधान में नहीं मानता है वो एनडीए बीजेपी, उनको भगाए वहां से। अभी भी इनको ये समझ नहीं आ रहा, इनको ये किसने इनको ये विजडम देना चाहिए कि राइट नाउ वी हैव टू सेव द कंट्री बिकॉज दिस, हमको बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो नॉन करप्ट है, अगर वो नॉन कम्युनल है, अगर वो संविधान पे जिस पे शपथ कहे उस संविधान पे चलने के लिए भरोसा दिला, हमको बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। तो आज के दिन वक्त ये आ चुका है कि हम टीएमसी की तरफ ये बड़े बड़े पार्टीज मिल के आके वहां पर से जो चीज है जो संविधान में एतबार नहीं रखती और संविधान को ठुकराती है, वैसी संविधान ठुकराने वालों को पहले वहां पर एक डिफीट उनको करना देश के लिए बहुत जरूरत है। हाँ ठाकुर जी, आई एम कंक्लूडिंग, ठाकुर जी वांट्स टू टेल समथिंग। हाँ जी, हाँ जी, मनोज जी आपका म्यूट पे है, आप म्यूट पे हैं, मनोज जी आप अनम्यूट कीजिए। आपकी एक मिनट में ट्राई करता हूँ यहाँ से। मनोज जी आपका म्यूट पे आ रहे हैं अभी। अनम्यूट कीजिए। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि अभी जो दीदी बोल रही थी, हेलो हेलो सुन रहे हैं तो आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जो दीदी बोल रही थी, मैंने जो चिट्ठी किया, मैंने जो चिट्ठी किया केंद्र सरकार को, तो मैं तो एक छोटा सा मजदूर हूँ। हमें गर्व है कि हमारी मुद्दाओं को लेकर हमारी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, जो यहाँ की बंगाल की सब लोगों के लिए एक ममता का सागर रखती है, उन्होंने हमारे चलते माननीय टेलीफोन मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को एक पत्र लिखा। सोचिए, इसमें सोचने की बात है, एक माननीय मुख्यमंत्री जो बंगाल के लोगों को कितना हद तक प्यार करती है कि उन्होंने हमारे इस हमारे मुद्दे को, उन्होंने रविशंकर जी को पत्र लिखकर बोला कि आप प्लीज इस चीज को देखिए। आज हमें गर्व है कि मैं बंगाल का निवासी हूं, कि हमारी राज्य में एक ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो आज हर वर्ग के लोगों को लेकर चलने का प्रयास करती है, लेकर चलती हैं। आज हमारी आंदोलन में बीएसएनएल के मजदूरों को उन्होंने बहुत सारा मैंने मदद करने का चेष्टा किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र की सरकार उनकी बात को नहीं सुनती। जब ये मिनिस्टर और केंद्र की सरकार जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता जी की बात नहीं सुनती तो हमारी बात क्या सुनेगी? आज देश में कहने को कहा जा रहा है कि हम मजदूरों को नौकरी देंगे,
किसानों को सुविधाएं देंगे, लोगों को घर देंगे, लोगों को नए नए रोजगार के अवसर होंगे। मैंने नाना धरने की बोले जाते हैं, क्या किस दिया आपने। आज मैं जिस बंगाल में रहता हूँ। आप म्यूट हो गए हैं मनोज जी, आपका म्यूट हो गए दोबारा से। स्वास्थ्य साथी कार्ड ना होता। हेलो सुनने तो हेलो सुनने तो आज ममता जी का यदि स्वास्थ्य साथी कार्ड ना होता तो हम बीएनएल के ठेका श्रमिक चिकित्सा के अभाव में मर जाते। आज कम से कम ये तो भरोसा है कि ममता जी ने हमको स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया, स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया। मैंने क्या कहा कि हमारी एसआई फैसिलिटी थी, इसके लिए भी मैंने संतोष गंगवार जी को पत्र पर पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन ममता जी जानती थी कि बीएनएल के लोगों का एसआई बंद हो चुका है, तो उन्होंने सुधो बीएनएल के लोगों नहीं, उन्होंने पूरे बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड चिकित्सा के लिए मुहैया कराया। ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है। कोरोना काल में उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर लोगों को ख्याल रखा, जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी ख्याल रखा। आज हम लोग बीएसएनएल के लोग यदि ममता दी ना होते तो आज हम लोग दाने दाने को तो मोहताज है। आज हमारे 4,600 लोग श्रमिकों थे के कम से कम 2,000 लोग अन्न के अभाव में मर जाते। इसके लिए मैं ममता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को कि उन्होंने कम से कम राशन जो मुफ्त में देकर हम सबको इस से बचाया और आज हम उन्हीं के बदौलत यहाँ जीवित हैं। उन्होंने बहुत सारे यहाँ काम किया। आज केंद्र सरकार के विरुद्ध में यदि कोई लड़ने वाला भारत में यदि कोई एकमात्र नेत्री है तो इन माय ओपिनियन सी इज ओनली एंड वन ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, जो केंद्र सरकार के विरुद्ध में हर अन्याय के विरुद्ध में लड़ती है, खड़ी होती है। आज उन्हीं को परेशान करने के लिए आज बंगाल में सारी बीजेपी की टीम आई हुई है। क्यों, आज अगर ममता जी को, अगर यहाँ के लोगों को सोचना होगा आज अगर ममता जी को क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ममता जी उन लोगों का विरोध करती है। केंद्र सरकार की जितनी नीतियां हैं, जो चाहे वो किसान विरोधी हो, चाहे बीएसएनएल के प्राइवेटाइजेशन का हो, एयर इंडिया का हो, सब चीज का वो विरोध करती है, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमें एक बंगला भाषी होने के नाते, इस राज्य में जन्म लेने के नाते और उनके संरक्षण में रहने के नाते मुझे ममता जी पर गर्व है। मैं ममता जी से भी, उन्होंने तो मैंने कहा ना कि ममता जी तो बार बार रविशंकर जी को रिक्वेस्ट किया, उनकी पार्टी की सांसदों ने राज्यसभा में भी इस मुद्दा को उठाया, राज्यसभा में मुद्दा तो उठा लेकिन मुद्दा वहां से उठकर बस्ते में चला गया। लोग कहते हैं कि एक दिन में पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस मिलाकर कितनी सारे रुपयों का खर्च होता है एक दिन चलाने में। जब चलाने में खर्च होता है तो क्या केवल इसीलिए चलता है, तू मैं टोका टोकी में चला जाता है, हमारे विषय में सोचा जाए। आज लोग तरह तरह के लोग ऐसी करते हैं, अरे हमारी आंख के आंसू को देखा जाए, आज हमारे बच्चे स्कूल तक छूट गए। आप जरा सोचिए, आपके मार्फत से मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को एक महीना का सैलरी यदि नहीं मिलता तो लोग की हालत कैसी हो जाती है। आज हम 17 महीनों से बिना तनख्वाह के हैं, आप जरा सोचिए। आज यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम गरीबों को सोचते हैं, अरे गरीबों को सोचना है तो आप लोग इधर उधर जहां तहां बिना फाजुल के खर्चे कर रहे हैं। क्या बीएसएनएल को कुछ अवदान देकर बीएसएनएल को बचाया नहीं जा सकता, बीएसएनएल के परमानेंट और ठेका श्रमिकों को क्या फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। देश की उन्नति तभी होगी जब देश की पुरानी संस्थाएं बचेगी। आज ये देश लोग कहते हैं कि देश 125 करोड़ लोगों का देश है, तो 125 करोड़ लोगों का देश है तो इस देश को उसी ढंग से चलाना होगा, सबके साथ में न्याय करना होगा, सबको किसी के साथ में अन्याय ना हो इस बात का भी ख्याल रखना होगा।
मैं एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमको बहुत सारे लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेताओं और भी सारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने भी हमारे बीएसएनएल बचाव कमेटी के आंदोलन में बहुत ज्यादा सहायता किया। लेकिन मैं तो आपको बता दिया है ना कि एक केंद्र की सरकार किसी की बात नहीं सुनती। आज 72 न 75 दिन हो गए, किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के सड़कों पर, नन्हे नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, अधेड़ उम्र के, हमारे उम्र के लोग बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि मैंने जो कुछ लाया, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, लोग कहते हैं कि जो बिल है किसानों का, ये किसानों के हित में है। मैं आपके मार्फत से केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बिल यदि किसानों के हित में है तो आज किसान रास्ते पर क्यों? आज अगर बीएसएनएल को आप चंगा करना चाहते हैं, बीएसएनएल को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आज बीएसएनएल का मनोज ठाकुर इस चैनल पर बैठकर अपने भाइयों के लिए क्यों फरियाद कर रहा है? क्यों? मैं तो आज रविशंकर जी से और केंद्र की सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निमंत्रण करता हूं कि प्लीज रोटी मत छीनिए, किसी की थाली से रोटी मत छीनिए, हम गरीबों को बेसहारा मत कीजिए। आज हम लोग रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप जब इलेक्शन में, जब इलेक्शन आते हैं, आप लोग तरह तरह के वादे करते हैं, इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन हमारे ही वोट से जीतने के बाद हमें ही आपसे मिलने के लिए महीनों महीने लग जाता है। आज मैंने बीएसएनएल बचाव कमेटी के मार्फत से मैंने इतना पत्र दिया, इतना ईमेल दिया, लेकिन आज तक मुझे विडंबना इस बात की दुख है कि आज तक मैंने टेलीफोन मंत्री साहब श्री रविशंकर प्रसाद जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। क्या भरोसा करूं? क्या देश के सांसद वोट जीतने के पहले जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब घूरते हैं तो लोगों से क्या कहते हैं? हम आपके हर दुख सुख में साथ हैं। अब क्या साथ है? आज मैं आपको 5 महीने से पत्र पर पत्र लिख रहा हूँ, चिट्ठी पर चिट्ठी, तारीख पर तारीख मिलता है मजदूरों को, केवल मिलता है तो तारीख पर तारीख। आज तक आप हमारे संघ में 5 मिनट का भी समय नहीं है, 10 मिनट के, कि आप मेरे संघ में, हम लोग संघ में आलोचना कर सके। हमने बीएसएनएल बचाव कमेटी के तरफ से आपको पत्र दिया है कि आप प्लीज हम लोगों के संघ में एक मीटिंग कीजिए, हमारी हमारी समस्याओं को सुने। आप यदि हमारी समस्या को सुनेंगे तब तो हम समझेंगे कि हाँ, हमारे हमारे मंत्री जी हमारे पास सुनते हैं। क्या होगा मनोज जी? हाँ, हमारा सेशन का टाइम खत्म हो रहा है तो बस एक बात मैं रिक्वेस्ट खाली करना चाहता हूँ। मैं मनोज ठाकुर बीएसएनएल बचाव कमेटी के तरफ से भारत वर्ष के समस्त ठीका श्रमिक भाई, जो 80,000 भाई जो आज रोटी को खाने को लिए मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, सभी को पुनः एक बार भारत के माननीय रविशंकर जी जो कि टेलीफोन मंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि पुनः हमारी फरियाद को सुना जाए और एक मैंने एक और इस बात को रखा जाए, सेफ बीएसएनएल, सेफ कॉन्ट्रैक्टर लेबर एंड सेफ द लाइफ ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेबर फैमिली, यही इतना कहना चाहता हूं के माध्यम से। पूरे सभी देशवासियों को धन्यवाद और आपको चैनल को भी नमस्कार कि आपने मुझे अपना अपनी फरियाद को रखने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मनोज जी। आज का सेशन पर्सनली फॉर मी वॉज क्वाइट इमोशनल बिकॉज इनिशियली आई थॉट कि हम शायद डिस्कस करेंगे कि बीएसएनएल को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है, उसे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, बट आई नेवर इमेजिन और थॉट कि एक एम्प्लॉय का जो दुख है वो आज हम देखेंगे अपने अपने चैनल पे। जैसे डॉक्टर लुबना ने बताया कि गवर्नमेंट सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को हटाना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा। हम कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जैसे हम भगवान को देखते हैं या पेरेंट्स को देखते हैं, बट अभी भी इंडिया में जब हमारे देश आजाद हुआ था तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे आजाद हुआ था कि जो सरकार है वो माइनॉरिटीज का, गरीबों का ख्याल रखेगी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ना फनल बनाया गया कि जो भी हमारे देश का पैसा है वो हम कैपिटलिस्ट या अपने कॉर्पोरेट्स को
फनल किया जाए और गरीबों के बारे में इतना नहीं सोचा जा रहा है. एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल से आपकी जो भी आपकी डिमांड्स है, जो भी आपका दुख है, वो राइट लोगों तक पहुंचेगा. एंड मैं बॉबी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके हमसे, हम जहाँ पे शेयर कर पाए इस वीडियो को, आपके लेटर्स को, आप कुछ भी, हम उनको राइट लोगों तक पहुंचा सके. एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस थिंग कि अभी भी गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन ने जो किया है कि LIC को डिसइन्वेस्टमेंट, HAL को, एयर इंडिया को, फर्टिलाइजर कंपनीज को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद और भी एम्प्लॉयज आपकी सिचुएशन फेस कर सकते हैं. तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, बिकॉज इस पे बीती है खाली वही जानता है कि 1.5 साल से 2 साल से इसके घर पे एक पैसा नहीं आया, वो कैसे अपने घर का गुजारा कर रहा होगा, खाली वही जान पाएगा. तो थैंक यू मनोज जी, आपने अपनी जो भी एक बात कहूं, हाँ जी एक बात कहना चाहता हूं. आज हमारी स्थिति ये है कि जब हम घर से निकलते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि आज बाबा कोई खुशखबरी लेकर आएंगे, लेकिन जब घर पर वही लाचार बाप जब जाता है तो मायूस हो जाता है. मैं अपने दिल की बात क्या कहूँ, बच्चे सोच रहे कि बाबा रोटी लेकर आएगा और लाचार बाप सोच रहा घर जाऊं या मर जाऊं. आज हमारी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखा जाए, दिख की इस वेदना को देखा जाए. आपके चैनल के मार्फत से रोजिया फौसला रखिए एंड सब ठीक हो जाएगा. हम पूरी तरह ट्राई करेंगे कि आपकी जो वॉइस है वो सही कानों तक पहुंच पाए और जल्दी से जल्द इसका रेजोल्यूशन हो ये चैनल का. So, इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम निकाला, डॉक्टर लुबना जी का, मनोज जी का, हमारे सेशन पे आए और अपनी बात यहाँ पे रखी. सो थैंक यू एवरीवन. नमस्कार.